सुकेत व्यापार मंडल के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि कोर मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जितने भी हमारे त्योहार हैं इसमें सभी दुकानें रविवार को खुली रहेंगी, मगर इसमें एक शर्त है कि दुकानदार को सेल कर्मचारियों को उनको डबल सैलरी देनी पड़ेगी। यह दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि मंदी के इस दौर में महामारी से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय त्योहारी सीजन पर लागू रहेगा। कि आज हमारी कोर मीटिंग में डिसाइड हुआ और हमने कानून का वो जो देखा है सिस्टम, उसमें जितने भी हमारे फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है, करवा चौथ है, कोई भी हमारे त्यौहार आते हैं उसमें जो है वो दुकानें व्यापारी भाई खोल सकते हैं। दुकानों का समय सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक है, पर उसमें एक और लिखा है कि जो भी आपके दुकान में सेल गर्ल्स हैं या सेलमैन हैं उनको आपको डबल सैलरी जो है वो देना पड़ेगी। जिस भी व्यापारी भाई की इच्छा दुकान खोलने की होगी वो अवश्य जो है वो दुकानें खोल सकते हैं। ओनली फेस्टिवल, बाकी कानून का साथ दें। जो भी हमारे रेगुलर संडे हैं, हमारे 867 दुकानदार जो है वो सुकेत व्यापार मंडल के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से निवेदन है कि कानून का उल्लंघन ना करें, कानून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि हमारे को अगर सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे व्यापारी भाई मंदी से जूझ रहे हैं हमें पता है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे फेस्टिवल आने वाले हैं इसमें रविवार अगर फेस्टिवल के बीच में आता है तो आप अपनी दुकानें जो है वो खोल सकते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता।